बच्चों देखेंगे हम पत्र के भेद। पत्र के दो भेद होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक। कार्यालय से संबंधित जितने भी पत्र होते हैं औपचारिक में आता है, और जो अपने सगे संबंधियों दोस्तों मित्रों को लिखते हैं उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं, यानी जो आप कह सकते हैं व्यक्तिगत पत्र। औपचारिक पत्र लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किस विभाग के नाम पत्र लिख रहे हैं उसका पूरा नाम और पता, और किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं उसका विवरण होना चाहिए, और किसी भी अधिकारी को हम कैसे संबोधित करते हैं संबोधन का भी ध्यान रखना है। उसके बाद आएगा पत्र का कलेवर, दिनांक, और अंत में पत्र लिखने वाले का हस्ताक्षर एवं पता। और अनौपचारिक पत्र लिखने वाले का पता, स्थान और दिनांक, संबोधन, अभिवादन, बड़ों लिख रहा तो बड़ों के लिए अभिवादन और छोटों को, अभी मैं बताऊंगा इसको अभिवादन और संबोधन कैसे लिखते हैं। और उसके बाद होगा पत्र का कलेवर, अंत में जो पत्र की औपचारिकताएं होती है जैसे नाम, अपना सिग्नेचर, और लिफाफे के ऊपर पाने वाले का पूरा नाम और पता। जब तक हम ये सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे पत्र सही नहीं होगा। ठीक बच्चों, औपचारिक पत्र सबसे पहले हमने पता लिखा, सेवान प्रधानाचार्य महोदय जो भी स्कूल है आप लिख सकते हैं, विषय छुट्टी के लिए। फिर आता है संबोधन, माननीय महोदय सभी निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा सातवीं आठवीं जो भी है। उसके बाद लिखेंगे अपना कारण बताएंगे छुट्टी के लिए, आवश्यक कार्य से माता पिता के साथ घर से बाहर जा रहे हैं, आप बीमार हैं या जो कुछ भी है। उसके बाद लिखेंगे अतः आपसे निवेदन है कि मुझे दो दिन का अवकाश देने की कृपा करें, सधन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम, क्लास, सेक्शन जो भी है। और बच्चों ये तो हमने प्रधानाचार्य के लिए लिखा, यहाँ पर आप जैसे बिजली विभाग के अधिकारी को लिखना है यहाँ लिख सकते हो, बैंक मैनेजर को लिखना है बैंक मैनेजर को लिख सकते हो, मतलब किसी भी विभाग से संबंधित अगर आप पत्र लिखना चाहते हो वहाँ पर उसका पता, विषय, संबोधन और पत्र का कलेवर, और अंत में जो औपचारिकताएँ होती है जैसे अपना नाम, पता, सिग्नेचर। और अनौपचारिक, अनौपचारिक में सबसे पहले हमें अपना पता लिखना होता है, जो भी पता है आपका वो लिखेंगे, फिर लिखेंगे दिनांक, फिर जैसे बड़ों को पता लिखना है पूज्य पिताजी, माता जी, मामा जी, चाचा जी, जिसको भी आप लिखना चाहें। और अभिवादन, सादर चरण स्पर्श या सादर प्रणाम, ये तो हो गया बड़ों के लिए। और छोटों को लिख रहे हो तो आप यहाँ पे छोटों के लिए देख लीजिए, ऊपर का ये बिल्कुल एक जैसे रहेगा सेम, और ये वाला भाग बदल जाएगा, प्रिय, अनुज, राहुल, सदा, प्रसन्न रहो, ये तो हो गया अपने से छोटों के लिए। अब जैसे अपने के अपने से बराबर वालों के लिए मित्र को लिखना है तो वही यहां पर भी हो जाए, प्रिय, मित्र, सप्रेम, नमस्कार या मधुर स्मृति। तो ये हो गया बच्चों सबसे पहले पता, अभिवादन और संबोधन। अब उसके बाद आएगा पत्र का कलेवर, आपका पत्र मिला, पत्र पढ़कर आप घर के सारे समाचार मिले, या फिर जैसे इसमें दो तरीके के पत्र होते हैं, एक तो पत्र के जवाब में लिखना और दूसरा बगैर पत्र के जवाब में। तो अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो आप लिखेंगे मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी घर में कुशल पूर्वक से होंगे। फिर उसके बाद आप जो कुछ भी लिखना चाहे, जैसे पिताजी को आप अपने स्कूल में होने वाले वार्षिक उत्सव के लिए निमंत्रण पत्र देना चाहते हैं तो आप उसके बारे में बताएंगे, या आपको पैसे की जरूरत है तो उस वजह से आप बताएंगे, या अपने छोटे भाई या छोटी बहन को समय के महत्व के बारे में बताना चाहते हैं, परिश्रम के महत्व के बारे में बताना चाहते हैं, आप उसको लिख सकते हो, या कक्षा में प्रथम आया उसको बधाई देना चाहते हो, या मित्र किसी भाषण प्रतियोगिता में प्रथम आया उसको बधाई देना चाहते हो, वो सारी बातें यहाँ पर लिखने के बाद अंत में लिखेंगे आपका पुत्र, आपका अग्रज या आपका मित्र। इस तरह से बच्चों औपचारिक और अनौपचारिक पत्र को लिखते हैं। धन्यवाद।